नमस्ते, मैं हूँ पाल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि कैसे एक पर्सनल वॉर हम देख रहे हैं बिटवीन रिपब्लिक न्यूज टेलीविजन चैनल एंड मुंबई पुलिस, बिटवीन अर्नब गोस्वामी एंड परम सिंह दहिया। मगर यहाँ पर ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ऊपर न्यूज चला रहे थे। वो चाहते थे कि उनको जस्टिस मिले, उनके परिवार को क्लोजर करने में हेल्प हो। मगर मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के एफर्ट्स को पर्सनल ले रही है एंड उन्होंने पर्सनल काफी अटैक किया है रिपब्लिक न्यूज चैनल के ऊपर, उनके जर्नलिस्ट को बुलाया है। हम सब देख रहे हैं एवरी डे द अपडेट्स आर कमिंग इन द मीडिया कि कैसे रिपब्लिक न्यूज टेलीविजन चैनल के ऑडिट बुक्स से लेके सब कुछ की इंक्वायरी करी जा रही है। नाउ परम सिंह दहिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। ही हैज अ पास्ट विच इज कनेक्टेड टू मालेगांव ब्लास्ट। नाउ मालेगांव ब्लास्ट से कनेक्ट है साध्वी प्रज्ञा जी। शी हैज बीन एक्विटेड बाय द कोर्ट बट ऑब्वियसली शी स्पेंट अ लॉट ऑफ हर इयर्स इन द जेल। तो साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि 3-4 पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया और उनको हिरासत में लेकर बेल्ट से इस तरह से पीटा गया कि वो वेंटिलेटर पर चली गई, उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। अभी हम सबको ये तो पता है एज अ फैक्ट कि जब साध्वी प्रज्ञा उस समय पकड़ी गई थी जब मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था तब वो चल सकती थी और आज की तारीख में शी हैज डिफिकल्टी इवन वॉकिंग। सो कुछ ना कुछ तो उनके साथ हुआ था जेल के अंदर जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है कि शी कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। वो साध्वी प्रज्ञा की कहानी मैं कभी उनकी जबानी सुनना जरूर चाहूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर, बट तब तक के लिए हमको समझना चाहिए कि परम सिंह दहिया वॉज द ऑफिसर इन्वॉल्व एट दैट टाइम एंड परम सिंह दहिया जो हम आज देख रहे हैं उनका नेचर काफी ज्यादा एग्रेसिव है, काफी ज्यादा इम्पोजिंग है, काफी ज्यादा ऐसा है कि भैया तुम अगर मेरा नाम ड्रैग करोगे तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा, ऐसा नेचर। तो ये नेचर हम देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी की डीलिंग में। यहां पर अर्नब गोस्वामी के चैनल का इंटेंशन एकदम सही था और उस इंटेंशन को मैं आज भी सपोर्ट करती हूं क्योंकि मैं भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बहुत अफेक्टेड थी। मैं चाहती थी कि उसे जस्टिस मिले, उसके परिवार को जस्टिस मिले। मगर चैनल को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है दिखाता है कि ऑब्वियसली दिस इज समथिंग लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन। आप मीडिया को कैसे ऐसे अटैक कर सकते हैं? अगर मीडिया ने गलती करी है देन आप फाइन इम्पोज करिए जैसे आपने आज तक के ऊपर किया है या बाकी चैनल्स को अपोलॉजी देने के लिए बोला है, मगर ऐसा कुछ आपने रिपब्लिक टेलीविजन न्यूज चैनल के साथ नहीं किया। उसके बावजूद आप उसको टारगेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अर्नब इज इन्वॉल्व इन द टीआरपी गेम, जबकि बीएआरसी ने रिपब्लिक न्यूज चैनल का नाम ही नहीं लिया। सो परम सिंह दहिया, आई थिंक आपके सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। नथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू, यू नो दैट आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू, बट आई वुड रियली लाइक टू नो व्हाट इज योर पास्ट विद मालेगांव ब्लास्ट केस, बिकॉज ये जो आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है इन डीलिंग विद अर्नब गोस्वामी दैट इज वेरी वेरी स्कैरी। नमस्ते, जय हिंद।